गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दिन है थर्सडे एंड यहाँ पे भेज रही हूँ मैं जीनू को। हस्बैंड चले गए, नहीं चले नहीं गए, जीनू को लेके जाएंगे, एक्चुअली नीचे चले गए। तो जीनू को छोड़ने आजकल वही जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मम्मी जी आज इस बार मतलब मायके में अपने रह के आ रही हैं, तो अभी वहीं पर रुकी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नीचे, इनको छोड़ने आई थी कुंडी वगैरह लगाने। तो मैं सोचा चलो यार नीचे की भी साफ़ सफ़ाई करके ही ऊपर चलती हूँ, और ऊपर करूँगी बाद में जाके, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आ गई हूँ फ़िलहाल मैं। तो सुबह को तो यार ऐसी जल्दीबाजी में बस झाड़ू वाड़ू लगती है, क्योंकि मॉर्निंग में किचन में लगना होता है, सबसे मेन होता है खाना, क्योंकि सब लोग ऑफिस जाते हैं। और पापा जी चले गए थे तो कपड़े वपड़े बिखरे पड़े थे तो मैंने सेट करे, और यहाँ दिख गया था मुझे पानी का बिल पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने फिर उसको संभाल के रख दिया। और यहाँ पे पापा जी के जो कपड़े थे ना धोने वाले, वो तो मैंने कल मशीन में डाल दिए थे, कल धुल चुके थे, तो आज ज़रूरत नहीं थी इतनी, तो आज मना करके गए थे पापा जी। एंड ये कपड़े रात को आके पहनते ही हैं, वो दोबारा से पहनेंगे, चेंज करेंगे, तो फिर मैंने वही रख दिए फोल्ड करके। बेड वेड ठीक कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ खैर, क्योंकि पापा ही अकेले हैं, कोई है तो है नहीं यहाँ पे। बट ये है कि किस किरा से ना गंदा सा हो जाता है, तो इसलिए फिर झाड़ू पोछा तो ज़रूरी, वैसे पूजा रचा करते हैं तो पोछा तो लगना ही रहता है, ये चाहे कोई रहे या ना रहे रूम में। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो यार अब आराम से साफ़ सफ़ाई करती हूँ, मेरे को ना सब लोग निकल जाए ना, ऑफिस वगैरह चले जाएँ, उसके बाद में सफ़ाई करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई होता नहीं ना चलने फिरने वाला, वरना क्या होता है सब लोग होते हैं तो फिर इधर उधर चलते फिरते हैं, या फिर शूज़ लेके आते हैं, चप्पल लेके आते हैं, तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद ही ना घर गंदा गंदा लगने लग जाता है। बट जब ये सब लोग चले जाते हैं उसके बाद में करो ना तो सफाई बनी रहती है। तो पापा जी भी चले गए एंड मैंने अभी चाय तक नहीं पी, मैं जाके भी चाय पीऊँगी, पहले मैंने कहा यहीं से कर दूँ और फिर जाके मैं अपना नाश्ता वास्ता जो वो करूँगी। तो नीचे सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए रोटी, अपने लिए नहीं से की थी मैंने, सुबह पराठे बनाए थे तो एक पराठा एक्स्ट्रा बना लिया था, वो मैंने खा लिया चाय से, तो गोभी बच गई थी सुबह नाश्ते, मैंने बनाए थे गोभी के पराठे, तो गोभी बच रही थी, मैंने कहा चलो यार इसकी ना रोटी बना लेती हूँ, पराठे मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, एक पराठा चाय से ले लेती हूँ अगर बनता है तो सबके लिए, तो वही मैंने खा लिया एक पराठे चाय से, उसके बाद ही मैं लगी हूँ यहाँ पे किचन में आके। एंड रोटी सेक लिए अपने लिए, दो तीन रोटी सेकनी है, एक जीनू के लिए सेक दूँगी, और यहाँ पे साथ के साथ जो है बर्तन भी खाली कर लेते हैं। और ये बूंदी मैंने उस मॉर्निंग में निकाली थी, इनको रायते वायते में डाल के दी थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो यार साथ के साथ ये भी भर के रख देते हैं बॉक्स में, और फिर जो है किचन की सफाई करते हैं। एंड बाकी का जो क्लीनिंग है ना मॉर्निंग की, वो स्टार्ट करते हैं फटाफट, मॉर्निंग की क्लीनिंग इतनी जल्दी करनी होती है ना। और आजकल क्या है कि जीनू को स्कूल से लेने के लिए मम्मी है नहीं, वैसे तो क्या है कि मैं अपने काम में लगी रहती तो मम्मी ले आती थी, बट अब मुझे काम भी टाइम पे सब कुछ फ्री करना है जीनू के टाइम तक, मतलब मुझे एकदम फ्री होना होगा, क्योंकि उसको स्कूल से लेने आना है, लेने जाना है। तो यहाँ पे रोटी वोटी सेक के एंड अब मैं लग जाती हूँ अपने साफ़ सफ़ाई में, गैस वैस क्लीन कर देती हूँ, एंड उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह हुए हैं तो उनको क्लीन कर देती हूँ। मॉर्निंग में जल्दीबाजी में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो आज मॉर्निंग में एक भी बर्तन जो है धो के रखा है, वैसे हाथ के हाथ थोड़े थोड़े बर्तन धुलते रहते ना, बट आज बस ऐसे ही डालती रही मैं। चॉपर भी मैंने धोया नहीं था मॉर्निंग में, तो बाद में क्या हुआ ना कढ़ाई की चिकनाई विकनाई सब चॉपर पर लग गई है, सुबह को खंगरा के रख दो तो बेटर रहता है, बट बाद में अगर पड़ा रह जाना तो फिर ऐसी रहता है। और यार मौसम ने तो एकदम अंगड़ाई ले ली है, अब तो ठंड तो बिल्कुल चली गई है भाई, होली आ रही है आफ्टर ऑल, तो ठंड तो जाएगी, गर्मी लगती है अब तो, बट यह है कि सुबह शाम की हल्की हल्की सी ठंड रहती है, बाकी दिन में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और ये मौसम यार बड़ा बेकार है, मतलब पता है सर्दी जुकाम सभी को चल रहा है आजकल, बुखार उखार, हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब चल रही है आजकल, पहले तो मेरे को हुआ था जुकाम, बट मेरा तो ये है कि झड़झड़ा के ठीक हो गया, बट उनका तो लगा हुआ स्टार्टिंग से हुआ है, और बड़ी दिक्कत हो रही है उनको, तो डॉक्टर के पास जाएंगे भाई, दवाई वाई लेके आएंगे वो भी। हाँ आजकल ऐसे हो रहा है, अपना ध्यान रखना, मौसम बड़ा बेकार चल रहा है, मतलब हमें तो लगता है ना कि गर्मी आ गई एकदम से ही, बट ये ना एकदम नुकसान दे आती है, बाहर की जो हवा है ना थोड़ी सी भी लगती है नुकसान दे आती है। तो भाई चलिए बर्तन वर्तन हो गए और किचन भी हो गई है क्लीन, किचन से फ्री होने के बाद कभी कभी ना जीव लड़खड़ा जाती है, किचन से फ्री होने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर, और बेड वेड सही करते हैं भाई अपना, रजाई अभी मैंने रखी नहीं है रजाई, क्योंकि भाई अभी जीनू है ना छोटी, तो रात में थोड़ा सा ओढ़ लेते हैं, बट ये है कि हमारे यार पसीने निकल जाते हैं रात में ना, पसीने निकल जाते हैं रजाई को ओढ़ के, बट मैं अभी रख नहीं रही हूँ इसको, क्योंकि अभी दो चार दिन रुक जाती है, उसके बाद फिर इसको रख के ना थोड़ा कम्फर्टर निकाल लूँगी,
तो कंफर्टर वगैरह ओढ़ा करेंगे। अभी तो खैर रजाई ओढ़ेंगे भाई, जीनी मैडम को भी खांसी हो जाती है बीच बीच में, मैंने बोला है ना आजकल ऐसे चल रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू एंड पोछा लग रहा है हमारा। बच्चे वाला घर यार ऐसे होता है, पूरे दिन मतलब इतने कागज़ निकालती है ना जिन्हें, इतने टिश्यू पेपर निकालती है कि बस क्या ही बताऊँ। घर गंदा होता ही रहता है दो दो मिनट में ना, क्योंकि अब शैतानी इतनी बढ़ चुकी है उसकी, कभी कलर निकाल के दो दो चला देती है, कभी कुछ, कभी कागज़ फाड़ फाड़ के काट काट के, सीजर चलाना सीख रही है तो कागज़ काट काट के फेंकती है। तो पूरे दिन बच्चों वाला घर ऐसे होता है, पूरे दिन गंदा होता रहता है। बस हमारा काम यही रहता है, वो सफाई करने का, क्योंकि यार गंदा दिखता है ना मेरी आंखों से तो मुझसे रहा नहीं जाता। जैसा होता है ना कोई कोई कि छोड़ दो यार गंदा तो होना ही है, मेरे से रहा नहीं जाता अगर दिखता है ना तो, फिर को वो चीज़ उसी टाइम साफ़ करनी होती है, मेरा ये है। तो यहाँ पे यार बेड भी क्लीन कर लेती हूँ, धूल मिट्टी वगैरह सब जम चुकी थी, और जिन्होंने बेड पे भी कलर चला दिया था तो फिर मैंने वो छुटाया बेड के, बड़ी मुश्किल से छुटता है, मॉम के कलर है ना क्रेयॉन्स वाले तो बड़े मुश्किल से छुटते हैं, बट मानती नहीं है क्या करूं। और यहाँ पे लगा देती है शीशे पे आके अपने हाथ, इतने हाथ के धब्बे पड़े थे ना, मैंने 3-4 दिन से मैंने शीशा क्लीन नहीं करा था, उसी में इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी ना, एक तो ऊपर तक पहुँचने लग गई है तो अपने छोटे छोटे हाथ सब में छपा देती है। इसके बाद पता है ना टीवी भी सब क्लीन करी है मैंने, टीवी पे भी हाथ लगा देती है, क्योंकि चेयर पे चढ़ के फिर कार्टून आता है ना तो उनको हाथ से टच करती है, तो टीवी पे भी इतने धब्बे लगे हुए थे तो वो भी मैंने साफ़ करे, और थोड़ी थोड़ी जो क्लीनिंग है वो सब कर दी। फ्रिज भी पोंछ दिया था, एंड उसके बाद जो है मैंने पोंछा लगाया, और ऊपर जो है आज मैंने वाइपर से पोंछा लगा दिया, क्योंकि जीनू के लेने का टाइम जो है वो हो चुका था तो उसको लेने जाना था, मेरे को रेडी भी होना है, अभी पागलों की तरह घूम रही हूँ तो इसलिए फिर मैंने कहा आज फटाफट से ना वाइपर से पोंछा मार देती हूँ। और इधर मशीन भी बोल गई थी यार, कपड़े धुल चुके थे तो कपड़े भी सुखाने थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो यार जो टाइम मिल रहा है इसमें कपड़े वपड़े सुखा देती हूँ, और बस उसके बाद फिर मैं रेडी होने का नंबर लगाती हूँ, जीनू को लेके आती हूँ स्कूल से। चलो यार मैं हो गई हूँ रेडी, जीनू को लेने के लिए जाती हूँ। 12 बज चुके हैं, और ऐसे यार फिर लगे लगे हो गई शाम, और दीदी को जाना था शादी में, पार्टी में, तो फिर उनको रेडी करना था, तो फिर मैं अब उनको रेडी कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं हल्का पुल्का, मतलब मेरे को जब भी ज़्यादा पसंद नहीं है मेकअप, और दीदी भी कम करती हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत जो भी था वो कर दिया, और फिर साड़ी वाड़ी पहना दी उनको, फिर ये लोग निकल गए थे पार्टी के लिए, एंड मैं और जीनू रह गए थे घर पे अकेले। हस्बैंड आ गए थे रात को और पापा जी भी आ गए थे, खैर अकेले कहाँ हैं हम लोग। फिर खाना पीना बनाया था वही रात का, चाय बनाई थी, इसके बाद मैंने थोड़ी चाय पी थी, और जीनू मैडम को दिया था दूध। जीनू देखो कितने ध्यान से देख रही है, और देख के ना सब सीखती है, और फिर अपने आप चढ़ जाती है ड्रेसिंग टेबल पे और सारा मेकअप जो है करना स्टार्ट कर देती है। और मैंने पता है यार अभी देखा आई शेडो पूरा जो है वो निकाल निकाल के फेंक रखा है, सारा बेकार कर दिया। मैं मोस्टली देखती नहीं हूँ, अभी मैंने दीदी को लगाने के लिए देखा तो पता चला कि इन मैडम ने जो है वो सारा आधा जो डार्क कलर का था वो सारा निकाल निकाल के नोच नोच खरोंच खरोंच के मतलब उसका बेकार कर दिया। फिर मैंने उसकी डांट लगाई, बट कहाँ सुनने वाली है, उसको समझ में नहीं आती है। शाम के टाइम पे पता है नहीं, हाँ रात के टाइम पे उसने दोबारा मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, शीशे के पास खड़े होकर जैसे ही पापा है उसके फिर थोड़ी देर और पहुँच भी देती है, करने का शौक है बट ये नहीं कि लगा के रखे फिर हटा भी अपने आप ही दे देगी मतलब, और टिश्यू पेपर से हटाती है पूरा मॉइस्चराइज़र वगैरह लेके, उसके बाद देखते रहते हैं ना बच्चे वही सीखते रहते हैं। और यहाँ पे देखो साड़ी भी हो गई सेट, अब दीदी की साड़ी कहीं नहीं जाने वाली, मैंने प्लेट्स पे भी पिन लगा दी थी ताकि साड़ी ना कहीं नहीं जाए, क्योंकि थोड़ी हैवी साड़ी होती है संभालने में दिक्कत होती है, तो इसलिए फिर ओपन पल्ला भी नहीं रखा है, पिन अप कर दिया है। अच्छा बढ़िया लग रही है, ये देखो भाई दीदी हो गई रेडी। तुम गेम तो छोड़ दो हैं,
मैचिंग का बैग मैचिंग का तुम नए कपड़े तो पहन लेते शादी मेरी शादी और क्या तभी तो पसंद करेंगे वहाँ पे नए पहनोगे चाबी दो चाबी जीनू ऊपर ही रहो बेटा ऊपर ही रहो लो ये पैसे जीनू ले जाना ऊपर रख ठीक है आप फिर कब तक आओगे रात को तो यार चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है एंड करते हैं यहीं पे होप आप लोगों को अच्छा लगा हो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को चलिए बाकी अपना ध्यान रखिए भाई खुश रहिए बाय टेक केयर